हेलो एवरीवन, नीलम किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सेब की चटनी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और एक बार बनाकर आप महीनों तक उसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान होती है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और साथ में बेल बटन है उसे दबाइएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल सके। तो देख लेते हैं इसकी रेसिपी कि मैंने किस तरह से एप्पल की जो चटनी है उसे बनाया है। सेब की चटनी बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक रॉयल सेब और एक लिया है मैंने गोल्डन। तो मैंने ये दो अलग अलग तरह के सेब लिए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा कि मैंने ये सेब जो है अलग क्यों लिए हैं। तो सेब को हम काट लेंगे और इसके छिलके जो हैं साइड निकाल देंगे इस तरह से, और इसकी छिलके जो हैं साइड निकाल देंगे, और जो बीज वाला पार्ट है इसे भी हम साइड निकाल देंगे इस तरह से। तो मैंने दोनों सेब को काट लिया है और इस तरह के इसके पीस काटे हैं। मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं डाल दूंगी ये एप्पल के पीसेस जो कट करके रखे थे, और एक गिलास भर के डाल रही हूँ मैं इसमें पानी। एक कम से कम 250 ग्राम पानी है। अब हम इसे ढक्कन लगा के बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। तो कर लेते हैं इसको चेक। ये देखिए सेब जो है हमारे बॉईल हो चुके हैं। देखिए इसका कलर जो है चेंज हो चुका है। इसको बॉईल करने के लिए मुझे 4 मिनट लगे हैं। अब इन्हें हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। हम इन्हें साइड निकाल लेंगे। तो मैंने कढ़ाई में एक चम्मच भर के सरसों का तेल डाल दिया और तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें सौंफ जो है हल्की चटक चुकी है, अब डाल रही हूँ इसमें आधा टीस्पून भर के कलौंजी। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्की खुशबू आने तक इन्हें भून लेंगे। सौंफ और कलौंजी जो है भून चुकी है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं जो सेब हमने बॉईल करके रखे थे। इस तरह की चटनी बनाने से ये बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाती है। इसको अच्छे से तड़के के साथ मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छा कलर देने के लिए मैंने एक टीस्पून भर के लिया है कश्मीरी मिर्च। अब डाल रही हूँ मैं इसमें ब्लैक सॉल्ट 1 टीस्पून। इससे चटनी का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं इसमें सफ़ेद वाला नमक। आप जितनी चटनी बना रहे हो अपने हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कम से कम 2 चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ इसमें गुड़। आप गुड़ की जगह इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। हम इससे ज़्यादा मीठा इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि एप्पल जो है पहले से ही मीठा होता है, और इसे इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने ले लिए हैं तरबूज के बीज। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इन्हें स्किप कर सकते हैं। मैं 2 चम्मच भर के इसमें ऐड करी हूँ। अब इसे हम ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे लो मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए हमारी चटनी जो है 4 मिनट के बाद इस तरह की दिख रही है, और इसमें जो है पीसेस जो दिख रहे हैं तो ये हैं गोल्डन सेब के, और जो रॉयल सेब होता है वो पिघल जाता है बहुत जल्दी। तो इसलिए मैंने 2 सेब जो है अलग अलग लिए थे इस चटनी को बनाने के लिए। तो चटनी से जो है इस तरह का तेल निकलना शुरू हो गया है और कढ़ाई भी चटनी को छोड़ रही है। तो हमें इसी तरह की जो चटनी है हमारी तैयार होनी चाहिए। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर लेंगे और आप इसे ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी।